हरिद्वार से मजदूरी करने आया दंपत्ति ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल दंपत्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दंपत्ति अपने चार छोटे छोटे बच्चों के साथ डबल फाटक पुल के नीचे सो रहा था। इनके ऊपर चालक ने मिट्टी से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी। इस घटना में पत्नी पति के पैर टूट गए, उनका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के कंखल थाना क्षेत्र में रहने वाला अजय अपनी पत्नी इंदु और चार बच्चों अजीत, ओम, भोलू और शिवा के साथ मजदूरी करने के लिए मुरादाबाद आया था। अजय ने बताया कि उन्हें जो व्यक्ति हरिद्वार से लेकर आया था वो मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर आकर उनसे बिछड़ गया। रात को अजय अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर ही सो गया। इस दौरान किसी ने उसका पर्स और बैग आदि चुरा लिया। अजय के अनुसार उनके बैग में करीब 9,000 रुपए थे। पैसे चोरी हो जाने के बाद अजय अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रात बिताने के लिए डबल फाटक पुल के नीचे जाकर सो गया। अजय का कहना है, इस दौरान वहां आए एक व्यक्ति ने पीछे हटाते समय उनके ऊपर मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी। ट्रॉली के पहियों की चपेट में आकर अजय और उसकी पत्नी इंदु के दोनों पैर टूट गए। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर छोड़कर फरार हो गया। दंपत्ति की चीख सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही 108 एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल दंपत्ति तथा उनके चारों बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने दंपत्ति को भर्ती करके उपचार शुरू कर दिया है। बच्चों का नाम है और सर ओम भोलू शिवा अजीत। शिवा और अजीत, क्या हुआ, कैसा है, यहाँ चोट कैसे लगी, वो क्या हुआ है? मैं पैसे से पेंटर सर हरिद्वार रहता था, वहाँ कुछ लोग मुझे मिले, यहाँ लाए, लेकिन वो लोग मेरे से चले गए, पता नहीं किधर चढ़ गए। तो हम तो पैसे उसे कुछ नहीं थे, हम रात भर यहाँ स्टेशन पर रुके, हमारा किसी ने थैला उठा लिया पैसे का, बैग बटुआ। कितने पैसे थे उसमें? थे भाव जी 8-9 हजार रुपए। अच्छा, हम यहाँ काम धंधा करने आए थे, उसके बाद पैसे नहीं थे, फिर हम इधर आ गए पुल के नीचे, उन्हें कोई काम धंधा मिलेगा कर लेंगे, किराया भाड़ा करके चले जाएंगे। कौन सा पुल के नीचे? ये नाम नहीं मालूम था। अच्छा, इधर ही मेरे को पुराना दर्द उड़ गया ये सीने में। अच्छा, फिर हम लोग वहाँ लेट गए बाबू जी, पता नहीं कहाँ से वो ट्रॉली बैग करके लाया, पूरे पैरों पर चढ़ा दी बाबू जी। आपके चोट लगी है, पत्नी को लगी है आपकी? हाँ जी। चोट किस चीज की लगी है? दोनों के, मियां बीवी के दोनों के पैरों पर चढ़ा दी। जो है किसी वाहन से चोटें आई हुई हैं और उनको भर्ती कर लिया गया है। इनके साथ में चार बच्चे भी हैं, बच्चों को ऐसी कोई खास चोट नहीं है, लेकिन दोनों को चोटें काफ़ी हैं, और इमरजेंसी में भर्ती कर उचित इलाज दिया जा रहा है। सुबह को एक्सरे वगैरह करा करके देखा जाएगा, कुछ ऐसी डिफॉर्मिटी या फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है।